डिग्री वहां पर सिंगल पिक्सल अवेलेबल बट दिस मार्क्स एंड फॉर टीएसएम एंटिटी एंड बच्चू महाराज हमारे स्टेयर बाइक विद दैट ग्रेनेड एंड लेट्स सी ये वाला ग्रेनेड जो ग्लोबल स्पोर्ट की तरफ जो गया है क्या काफी रहेगा आई थिंक यस स्नैक्स कमिंग अप विद दैट ग्रेट ग्रेनेड बच्चू महाराज के नेचर भी एक नॉकआउट स्नैक्स के नेचर भी स्पॉट आउट करें यहां पर अबरार को आई थिंक ये वाला आखिरी प्लेट आउट हो जाएगा वर्कआउट भी एलिमिनेट टीम आईएनडी कमिंग अप विद 11 किल्स एंड सदर्न एरिया जो सदर्न एरिया होल्ड करते हैं मिलिट्री किल्स के बट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है वो 14 से ऊपर की जा चुकी है टीम आईएनडी की डोमिनेशन जब आती है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी प्रेडिक्शन आती है ना उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल आ जाता है एंड आई थिंक दिस मार्क्स अ चिकन डिनर फॉर टीम आईएनडी आईएनडी कमिंग अप विद अ ग्रेट चिकन डिनर एंड किल्स की बात करें गाड़ी निकल कर आ रही है या फिर उसको डैमेज करने की कोशिश करें पीछे से एक और गाड़ी आ रही है इनकी तरफ Okay, तो काफी ज्यादा टफ टाइम फॉर द टीम एलक्राफ्ट कमिंग फ्रॉम द ओपन एरियाज जस्ट स्क्वाड ने यहां पर शिजान को डाउन कर दिया मयंक को स्पॉट आउट कर चुके हैं एसएलआर 1 2 आखिरी बुलेट कनेक्शन एंड टेक योर गो मार्क्स एंड फॉर एलक्राफ्ट टीएसएम कमिंग अप विद 10 किल्स इन द पॉकेट टोटल डोमिनेशन फॉर टीएसएम बीइंग इन द वेरी सेंटर एंड दिस इज व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड ये मैंने बोली आपको चीज ना गाइस की कॉम्पिटिशन तो कैसे ही कम हो गया चार टीम तो जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो गई ब्लास्ट आउट करना चाह रहे हैं चारों प्लेयर्स यहां पर जीवित है एंड वो चीज हो गई मैंने आपको बोला था कि प्रेडिक्शन जिस टीम के नाम की लो वो किल्स निकाल लेती है नियो यहां पर अभी के लिए राइट हैंड साइड पर अगर एनिग्मा के प्लेयर्स को प्लेयर स्पॉट आउट कर लिया यहां पर इनको और को स्पॉट आउट कर लेंगे नियो यहां पर लेकर जाएंगे थोड़े से और बेहतरीन किल्स 13वां किल यहां पर स्पॉट आउट करा बट पीछे से जिस पर नजर रखनी चाहिए थी वो अभी के लिए थोड़ा सा मिस आउट कर दिया ऑर्सिन बॉटल्स कमिंग अप विद दैट मोलोटोव नियो गोस डाउन सीगॉट विद दैट 1v2 माइट हैव लेट्स सी यहां पर सामने निग्मा एक प्लेयर डाउन करा बट पीछे से एक और प्लेयर डाउन थोड़ी सी चोट यहां पर जरूर हो रही है गॉट को यहां पर एलिमिनेट कर दिया जोनाथन ने सामने टारगेट ऑफ आपको मिल जाएगा आई थिंक इनको डाउन अगर कर दिया सो अकेले बचेंगे वहां पर ऑर्सिन बॉटल्स डिफरेंट एंगल से जा रहे हैं जॉनी आई थिंक यहां पर एक अलग एंगल पर नजर आते डाउन कर दिया यहां पर जोनाथन को क्लच शॉट यहां पर रिवाइवल देंगे यहां पर अटैक करेंगे I think revival is the best option because smoke already हुआ है मॉनी यहाँ पर कर देंगे अपने लिए वो टाइम ऑन कर लेंगे एंड ये सिनेरियो जो बन चुका है ना ये 2v2v2 का बन गया अब ऑस्टिन बॉटेक्स और पैराडॉक्स जोन के बाहर से आ रहे थे टीएसएम के पास उनको बहुत ही अच्छा मौका था एंड आई थिंक यहाँ पर रिवाइवल छोड़ना पड़ेगा क्लच गॉड को अब अगर अपनी टीम को बचाना है किल पॉइंट चाहिए तो 1v2 करना पड़ेगा जो कि शायद नहीं हो पाया क्लच गॉड को यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा जीगॉड को भी यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा न्यू दी ओनली प्लेयर सर्वाइविंग यूएमई के साथ उनके फाइट आउटसाइड द जोन एंड दिस मार्क्स द एंड फॉर टीएसएम आउट से स्पॉट आउट करा यहाँ पर यूएमई को एक और प्लेयर है दिस मार्क भी जाएंगे ही मिस्ड इट ही एक्चुअली मैच में भी आई थिंक चिकन डिनर लेकर गए इस मैच में भी काफी अच्छा साउंड कर रहे हैं वर्कआउट्स एक्चुअली के अंदर इवेंट्स के अंदर यार आखिरी के दिनों में काफी अच्छा कर जाती है कब टॉप 10 से टॉप 2 में आ जाती है पता भी नहीं चलता सामने से वर्कआउट्स की टीम अब्रार मैक्स कैश को रिवाइवल यहां पर एक्चुअली दे सकते हैं बट उतना टाइम आई थिंक नहीं देना चाह रही है एमजे भी यहां पर डाउन हो जाएंगे सो सिनिस्टर इज इन अ सिचुएशन फॉर 1v3 विल यू बी गेट दैट क्लच डन एक्चुअली लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम सामने से भी एक प्लेयर आ रहा है एडीएस स्कूल के डाउन देने की कोशिश बट द वे वर्कआउट्स चार्ज ऑन देम वाज रियली रियली किसको टीम आईएनडी को जो एरिया टीम आईएनडी ने प्रेफर करा ना वही एरिया शायद प्रेफर करना चाह रहे थे टीएसएम बट आतंकी का डीपी का स्प्रे काफी ज्यादा तेज था मौका नहीं दिया उतना ज्यादा मेक्सिको रिवाइवल देने की कोशिश तो कर रहे हैं बट अगर उन सबके बीच में अगर एक और नॉक हो गया टीएसएम का मैन एडवांटेज को तो बहुत ज्यादा हानि पहुंचेगी टीएसएम शायद उतना ज्यादा रन करेगी आतंकी को वापस स्पॉट आउट करेगी सिंगल बुलेट की कनेक्शन एंड टीएसएम एंटिटी क्लच स्क्वाड क्या बढ़िया मिड रेंज प्लेयर्स यहां पर देते हुए क्या बढ़िया नॉकआउट यहां पर निकाल चुके हैं एंड आई थिंक दोनों ही टीम के प्लेयर्स यहां पर एक एक गॉड ने अभी के लिए यहां पर दलजीत को डाउन कर दिया क्लच स्क्वाड ने यहां पर क्रोटॉस को भी डाउन कर दिया 1v1 की फाइट रहेगी टीम आईडी के स्टैक्स के साथ विल बी एबल टू गेट हिम डाउन 1v1 की फाइट ग्रेनेड से अपना काम अच्छे से कर दिया अब गन डाउन की बारी है 1v3 ये जो फॉरेस्ट हेल्थ होता है ना कहीं ना कहीं इनकी हेल्प कर सकता है बिकॉज ये इनके ऊपर थोड़ी सी ग्रासी रहती है पार्शियल गिली सूट इसको मैं कह सकता हूँ स्पॉट आउट किया एकेएम का कनेक्शन एंड अब जो सिचुएशन है वो 1v4 किया है ये ओपन एरिया है अकेला प्लेयर कर भी नहीं सकता टीएसएम एंटिटी क्लच गॉड बहुत ही अच्छा अपना गन पावर शोकेस करते थे बट फ्यूचर स्टेशन कमिंग अप विद अ चिकन डिनर